गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं हूं परमेंद्र कुमार और आप देख रहे हैं द बिहार टीचर सिस्टम मेकर्स, मेरा मोबाइल, मेरी शिक्षा कार्यक्रम। आज हम लोग पुरातात्विक स्रोतों के अंतर्गत सिक्के और स्मारक के बारे में अध्ययन करेंगे। पिछले वीडियो में हमने पुरातात्विक स्रोत के अंतर्गत ही अभिलेखों के बारे में चर्चा की थी, खासकर अशोक के जो अभिलेख हैं, जो शिलालेख हैं, स्तंभ लेख हैं, गुहा लेख हैं, उनकी चर्चा की थी। और उसके अलावा भी जो अन्य महत्वपूर्ण अभिलेख प्राप्त हुए हैं भारत के अलग अलग क्षेत्रों से, जैसे कि हाथी गुफा अभिलेख, ईरन का अभिलेख और जूनागढ़ का अभिलेख, प्रयाग प्रशस्ति, तो इन सबों की चर्चा हमने की थी। उससे आए हुए प्रश्न या जो प्रश्न आते हैं उससे, उसके बारे में भी हमने चर्चा की थी। अभी हम लोग जो पुरातात्विक स्रोत जो है उसके अंतर्गत जो खास जो विश्वसनीय स्रोत जो है सिक्का और स्मारक, उसकी चर्चा हम लोग यहाँ पर करेंगे। सिक्कों या मुद्राओं का अध्ययन जो होता है उसे मुद्रा शास्त्र कहते हैं, अंग्रेजी में न्यूमिसमैटिक्स कहा जाता है इसे। जो मुद्राओं के द्वारा इतिहास की जानकारी हमें मिलती है वह काफ़ी दिलचस्प और काफ़ी विश्वसनीय होती है। अभिलेखों में जो अभिलेख खुदवाते हैं, जो उनके कवि होते हैं या और जो अधिकारी जो होते हैं, हो सकता है कि वे अभिलेख खुदवाते वक्त राजा की प्रशंसा करें, लेकिन सिक्कों में या स्मारक में इस प्रकार की कोई गुंजाइश नहीं होती है। इसलिए सिक्के या स्मारक जो होते हैं वह काफ़ी विश्वसनीय होते हैं। जो मुद्राएं जो प्राप्त हुई है भारत के अलग अलग क्षेत्रों से, उनमें सोना, चांदी, तांबा, सीसा, इस प्रकार की मुद्रा, इन धातुओं की मुद्राएँ प्राप्त हुई है और उनके बनावट और प्रतीक के आधार पर उनका जो समय है या काल जो है वह निर्धारित किया जाता है और उस समय की सांस्कृतिक धार्मिक अवस्था जो है या सामाजिक जो अवस्था है उसकी जानकारी हम लोग उससे प्राप्त करते हैं। जो सबसे पहला जो सिक्का है वह जब जारी किया गया था वह छठी ईस्वी पूर्व में जारी की गई थी। उन सिक्कों को कहा जाता था आहत सिक्के या पंचमार्क सिक्के, क्योंकि इनको पंच के द्वारा या आहत करके बनाया जाता था। इस पर कोई लेख उत्कीर्ण नहीं होता था, चित्र होता था लेकिन किसी प्रकार का लेख उत्कीर्ण इस पर नहीं किया जाता था। और यह सिक्के जो होते थे चांदी और तांबे के धातु के बने होते थे। यह प्रश्न भी पूछता है कि आहत सिक्के किस धातु के बने होते थे, तो चांदी और तांबे के बने होते थे। कब के प्राप्त हुए हैं, तो छठी शताब्दी ईस्वी पूर्व के आहत सिक्के प्राप्त हुए हैं। मौर्य काल के बाद जो सिक्के, अधिकतर सिक्के जो सोने, चांदी, तांबे के जो प्राप्त हुए हैं उन पे लेख उत्कीर्ण है। अगर यह बात आती है कि भारत में सबसे पहले सिक्कों पे लेख उत्कीर्ण करने की परिपाटी जो है वह किसने चलाई, तो हिंद यूनानी शासकों ने सबसे पहले सिक्कों पर लेख या शासकों की जो प्रतिमा है वह उत्कीर्ण करवाया, तिथि उत्कीर्ण करवाया और शासकों का नाम जो है वह उत्कीर्ण करवाने की परिपाटी हिंद यूनानी शासकों ने लगभग दूसरी शताब्दी ईस्वी पूर्व में शुरू की थी। सबसे शुद्ध सोने की सिक्के की अगर बात आती है, सबसे शुद्ध और सबसे पहले शुद्ध सोने के सिक्के किन शासकों ने शुरू करवाया, तो वह कुषाण शासकों ने शुरू करवाया था। और उसमें भी कुषाण शासक में बिम कडफिसेस जो था उसने सोने के सिक्के सबसे पहले जारी करवाए थे और सबसे शुद्ध। यह भी प्रश्न कई बार कम्पिटिटिव एग्जाम में पूछ चुका है या इंटर में पूछता है यह प्रश्न कि सबसे पहले और सबसे शुद्ध सोने का सिक्का किसने जारी किया था। सबसे अधिक सोने के सिक्के, मात्रा में सबसे अधिक सोने के सिक्के जो जारी किए गए थे वह गुप्त शासकों के समय में जारी किए गए थे। लेकिन बाद में जब गुप्त शासकों का जब पतन होने लगता है तो उनके सिक्कों में खोट आने लगता है, यानी कि उनके सिक्कों में मिलावट शुरू हो जाता है, यानी कि उनकी जो आर्थिक स्थिति थी वह धीरे धीरे कम होने लगती है। सातवाहन शासकों ने भी सिक्के जारी किए थे लेकिन उनके जो सिक्के थे वह शीशे के बने हुए थे। शीशे एक प्रकार का शीशा धातु है, कांच इसको नहीं समझिएगा, यानी कि शीशे के धातु का सातवाहन शासकों ने सिक्के जारी किए थे।
इस प्रकार देखा जाए तो सिक्कों के माध्यम से तत्कालीन प्राचीन भारतीय इतिहास को जानने में काफ़ी मदद मिलती है कि कौन शासक किस समय राज करता था, या उसकी धार्मिक अवस्था किस प्रकार की थी, किस धर्म को मानता था, या आर्थिक स्थिति उसकी कैसी थी। अगर सिक्कों की बनावट अच्छी रहती थी, उत्तम रहती थी, इससे प्रतीत होता था कि उनकी जो आर्थिक स्थिति है वह काफ़ी सुदृढ़, काफ़ी अच्छी थी। इन सिक्कों के अलावा दक्षिण भारत से भी सिक्के प्राप्त हुए हैं। दक्षिण भारत से रोम के सिक्के प्राप्त हुए हैं। इससे यह प्रतीत होता है कि रोम के लोग वहाँ पर आकर व्यापार करते थे, खासकर पुडुचेरी से रोम के सिक्के प्राप्त हुए हैं। राजाओं के अलावा धनपति या जो व्यापारी लोग थे वे लोग भी सिक्के जारी करते थे, कबायली लोग भी सिक्के जारी किए थे, तो उनके आधार पे उनके बारे में भी जानकारी मिलती है कि उनका व्यापार किस प्रकार से था। अगर कहीं अधिक मात्रा में सोने के सिक्के प्राप्त होते थे तो इससे यह अनुमान लगाया जाता था कि वहाँ का व्यापार जो था काफ़ी समृद्ध था या अधिक मात्रा में व्यापार होता था। सिक्कों के ज़्यादा मात्रा मिलने के आधार पर यह अनुमान लगाया जाता था। सिक्कों की तरह ही स्मारक भी काफ़ी महत्वपूर्ण है प्राचीन भारतीय इतिहास को जानने में। स्मारक वैसी इमारत होती है जो या तो उसी तरह अभी भी मौजूद है या खंडर के रूप में आज भी मौजूद है। तो इन स्मारकों में मुख्य रूप से जो पुराने राजा के भवन हैं, राजप्रसाद हैं, यहाँ तक कि मंदिर भी उसमें आ जाएंगे, बौद्ध स्तूप, बौद्ध विहार, चैत्य, बड़े बड़े जो हॉल हैं, सभागार जो हैं, वह सारे स्मारक के अंतर्गत आ जाते हैं। इनके अध्ययन से उस समय के तकनीकी कौशल की जानकारी मिलती है। जो बड़े बड़े कलात्मक स्थापत्य कला के जो नमूने जो मिलते हैं, भवन जो मिलते हैं, उनसे तकनीकी कौशल की जानकारी मिलती है। उस समय के लोगों के रहन सहन की जानकारी मिलती है, उनके धार्मिक, राजनैतिक, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक अवस्थाओं की जानकारी तो मिलती ही है। साथ ही पूजा पद्धति उनकी किस प्रकार से थी, बौद्ध धर्म में अलग पूजा पद्धति थी, हिंदू धर्म में अलग पूजा पद्धति थी, जैन धर्म की अलग पूजा पद्धति थी, तो इस प्रकार से अलग अलग धर्मों की अलग अलग पूजा पद्धति उनके स्थापत्य कला के आधार पर हमें जानकारी मिलती है। यानी कि उनके जो भवन बने होते हैं या उनके जो मंदिर बने होते हैं या पूजा गृह जो बने होते हैं उसके आधार पर हमें या उस समय के इतिहास की जानकारी मिलती है। उनके धार्मिक विश्वासों की जानकारी उनके उस प्रकार के भवनों से हमें प्राप्त होती है। जो तत्कालीन उस समय के भारत में जो स्थापत्य की जो शैली थी वह मुख्य रूप से तीन प्रकार की शैली थी, नागर शैली, द्रविड़ शैली और बेसर शैली। नागर शैली जो थी वह उत्तर भारत के मंदिरों की शैली थी, यानी कि उत्तर भारत के जो मंदिर बनाए गए थे वह नागर शैली में बनाए जाते थे। इनकी जो बनावट होती थी वह चतुष्कोणीय होती थी, यानी कि आधार जो था वह चतुष्कोणीय आकार का होता था और सामने जो होता था उस मंदिर के अंतराल, मंडप और अर्ध मंडप बने होते थे। इस शैली के जो मंदिर मिले हैं वह कोणार्क का सूर्य मंदिर, सोमनाथ मंदिर, खजुराहो के मंदिर और दिलवाड़ा का मंदिर, जो जैन मंदिर जो है आबू पर्वत पे, वह यानी कि नागर शैली के मंदिर मिले हैं, या नागर शैली के जो शैली जो है उसके अंतर्गत ये आते हैं। दक्षिण भारत की अगर बात करते हैं, खासकर तमिलनाडु और तमिलनाडु के आसपास का जो इलाका था वहाँ पे द्रविड़ शैली का मंदिर जो है वह मिला है। इसकी जो बनावट थी, इस मंदिर का जो बनावट था उसका आधार जो था वह वर्गाकार था और ऊपर का जो शिखर होता था वह पिरामिड की तरह होता था और विशाल जो उसके प्रांगण जो होते थे वह काफ़ी विशाल होते थे और उस प्रांगण का जो प्रवेश द्वार था उसको कहा जाता था गोपुरम। इस शैली का जो मंदिर मिला है वह मीनाक्षी मंदिर मिला है। मदुरई में जो मीनाक्षी मंदिर है वह इस शैली का मंदिर, यानी कि द्रविड़ शैली का मंदिर है। एक और शैली है जिसका नाम है बेसर शैली, जो कि नागर शैली और द्रविड़ शैली का मिश्रित रूप है। यह मध्य भारत में, इसके मंदिर जो हैं मध्य भारत में प्राप्त हुए हैं। खासकर वृंदावन का जो वैष्णव मंदिर मिला है वह बेसर शैली के अंतर्गत आता है। इस मंदिर की जो बनावट है उसका आधार जो है वह गोलाकार है और ऊपर जाके अर्धगोलाकार रूप ले लिया है, यानी कि अर्धगोलाकार या गोलाकार या अर्धगोलाकार उसका
मंदिर का बनावट है। इसके अलावा और भी बहुत सारे स्मारक मिले हैं, जैसे कि बराबर की गुफाएं जो हैं अशोक के द्वारा जो बनवाया गया था, कारले चैत्य महाराष्ट्र में जो कारले चैत्य है बौद्ध धर्म से संबंधित है, सांची स्तूप यह भी बौद्ध धर्म से संबंधित है, कुम्हरार से अवशेष मिले हैं अशोककालीन जो भवन जो थे उसके भवन की जो बनावट है उससे यह प्रतीत नहीं होता है कि यह मौर्य साम्राज्य का कोई बड़ा सा महल था राजाओं के रहने के लिए, क्योंकि काफ़ी साधारण तरीके से वह बनाया गया प्रतीत होता है उसके अवशेषों से। उसके अलावा भारत से अलग यानी कि भारतीय क्षेत्र से अलग जावा से और कंबोडिया से भी मंदिर मिले हैं, जैसे कि जावा से बोरोबुदुर का मंदिर और कंबोडिया से अंकोरबाट का मंदिर मिला है। इससे प्रतीत होता है कि भारतीय जो धर्म जो थे वह सुदूर देशों में भी फैले हुए थे, यानी कि यहाँ की जो संस्कृति थी दूसरे देशों में भी वह संस्कृति काफ़ी फल फूल रही थी। तो इस प्रकार अगर देखा जाए तो मुद्राओं से और स्मारकों से तत्कालीन जो इतिहास है उसके बारे में जानकारी मिलती है, खासकर सांस्कृतिक धार्मिक आर्थिक जानकारी जो है वह हमें इन पुरातत्वों से प्राप्त होती है। और यहाँ से प्रश्न भी काफ़ी बनते हैं कि सबसे पहले हिंद यूनानी शासकों ने प्रतिमा नाम और तिथियों के साथ मुद्रा जारी किया था, सबसे शुद्ध सोने का सिक्का बिम खटफिशेस या कुषाण शासकों ने जारी किया था, और सबसे अधिक सोने का सिक्का गुप्त शासकों ने जारी किया था। और यहाँ से भी प्रश्न बनते हैं कि बोरोबुदुर का मंदिर कहाँ है जावा में, और अंकोरबाट का मंदिर कहाँ है तो कंबोडिया में। इस वीडियो में इतना है, तब तक के लिए धन्यवाद।